दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हूं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। अयोध्या के अंदर भव्य राम मंदिर लगभग बनकर तैयार है। भगवान राम का वो भव्य मंदिर जो कि हिंदुस्तान के नहीं बल्कि पूरे विश्व के कोटि कोटि लोगों की, करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। भगवान राम का वो मंदिर जिसके लिए खासकर हिंदू समाज के लोगों ने दशकों से इंतज़ार किया है। सदियां बीत गई जबकि हिंदू समाज के लोग भगवान राम का भव्य मंदिर देखने के लिए अयोध्या के अंदर वो स्थान कि जहां रामलला का जन्म हुआ था उस स्थान पर भगवान राम का भव्य मंदिर देखें। पीढ़ियां लोगों की गुजर गई और अब वो समय नज़दीक आ गया है कि जब अयोध्या के अंदर भगवान राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार होगा और जनवरी 2024 में 21 से 23 जनवरी की तारीख लगभग तय है, यानी कि तीसरे सप्ताह में भगवान राम के मंदिर का उद्घाटन होगा, उसका शुभारंभ होगा और प्रधानमंत्री मोदी सहित देश और विदेश के लाखों लाखों लोग उस पल के साक्षी होंगे कि जब भगवान राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। ये तो आस्था की बात है, लेकिन इसके साथ साथ एक नई चीज़ शुरू हुई है, वो राजनीति है। और राजनीति नई चीज़ भी नहीं, राम के नाम पर, धर्म के नाम पर देश के अंदर राजनीति कोई आज की चीज़ नहीं है। अगर मान लिया जाए तो आज के समय में अगर चाहे वो पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हों या कांग्रेस, सपा और दूसरी पार्टियों के लोग हों, चाहे वो NDA के लोग हों या आने वाला इंडिया के लोग हों, जैसे धर्म, राम, सनातन, ये सब पॉलिटिकल एजेंडा बन चुका है। बात राम मंदिर की हो रही है और उस भव्य राम मंदिर के शुभारंभ पर जबकि देश की और दुनिया की कोटि कोटि जनता उसकी साक्षी बनना चाहती है, इस समय अगर ये कहें कि राम का नाम और राजनीति तमाम, तो एक लाइन में ये सब कुछ स्पष्ट हो सकता है। बात यूं कि भव्य राम मंदिर के उद्घाटन की जो तैयारियां चल रही हैं उसको लेकर राजनीति, हालांकि राजनीति तो एक चीज़ ही ऐसी है कि जो कभी कहीं रुकती नहीं, लेकिन जो बड़ी राजनीति शुरू हुई है, जिस पर कि मंथन शुरू हो गया है, जिस पर कि चर्चा शुरू हो गई है, जो बहस का मुद्दा बन गया है, वो कुछ इसलिए बना है कि अभी हाल ही में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना के नेता, जो कभी कट्टर हिंदुत्व की राजनीति के प्रतीक माने जाते थे, उद्धव ठाकरे ने एक बयान दिया कि राम मंदिर का उद्घाटन होगा, उसमें जगह जगह से लाखों लोगों को रेल और बसों से ले जाया जाएगा और उन्होंने एक आशंका जता दी कि कहीं गोधरा फिर से ना हो जाए, और बस यहीं से राजनीति की शुरुआत हो गई। देश के मंत्री अनुराग ठाकुर, जो नौजवान मंत्री हैं, उन्होंने सामने आकर बयान दिया कि राजनीति कुंठा का प्रतीक है। उन्होंने ये भी कहा कि आखिर उद्धव ठाकरे किस मुंह से उस बात को कह रहे हैं, क्योंकि बाला साहब ठाकरे कभी हिंदुत्व की राजनीति के प्रबल दावेदार और प्रबल समर्थक रहे हैं। और इसके साथ साथ अनुराग ठाकुर ने इससे बढ़कर एक बात और कही कि क्योंकि उद्धव ठाकरे अब उस गठबंधन में हैं कि जो गठबंधन हमेशा हिंदू, राम और सनातन का विरोधी रहा है, उस गठबंधन की सहयोगी पार्टियाँ कि DMK के नेता भी हाल ही में सनातन के विरोध में बयान देकर सनातन को डेंगू और मलेरिया जैसी बात बता चुके हैं। उनके बाद में पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद सामने आए और रविशंकर प्रसाद गुस्से से तमतमाए हुए चेहरे के साथ उद्धव ठाकरे को निशाने पर लेते हुए बोलते हैं कि आखिर उनकी मंशा क्या है, कि जो गोधरा जैसी बात को करके आखिर देश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं। भारत सरकार के मंत्री गिरिराज प्रसाद भी बोले, और गिरिराज प्रसाद जब भी कोई ऐसा मुद्दा होता तो जरूर बोलते हैं। और इस सब को लेकर लगता है कि अब कांग्रेस सहित जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, नेता हैं, वो काफ़ी हद तक बैकफुट पे हैं। जवाब सौरभ भारद्वाज का भी आया, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, दिल्ली सरकार के मंत्री हैं, युवा चेहरे हैं। सीधे सीधे तो नहीं बोले, लेकिन ये जरूर कहा कि उद्धव ठाकरे ने अगर कुछ ऐसा कहा है तो उसके पीछे शायद उनकी कोई जानकारी होंगी। क्या वो जानकारी होंगी ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये जरूर है कि राम के नाम पर राजनीति पूरे जोरों से शुरू हो गई। आगे बढ़ने से पहले आपको ये बताएं कि आखिर गोधरा याद क्यों आया, आखिर क्यों उद्धव ठाकरे ने गोधरा की बात कही। तो 2002 की बात थी जब रामलला के भक्त कार सेवक अयोध्या में कार सेवा करके वापस आए थे, और गोधरा रेलवे स्टेशन, जो गुजरात का रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर
ट्रेन के अंदर आग लगा दी गई थी, जिसके अंदर 59 राम भक्त 59 कार सेवक जिंदा जल गए थे। आरोप लगा था कि रेल को जलाने वाले यानी कि ट्रेन को जलाने वाले जो लोग थे वो मुस्लिम समाज के थे, और 59 कार सेवकों के साथ साथ उस दिन उस घटना में 90 लोगों की मौत हुई थी। और उसके बाद मान लिया जाए कि गुजरात जल उठा था। गुजरात के अंदर चाहे वो बिल्किस बानो का कांड हो, चाहे वो बेस्ट बेकरी कांड हो, इस टाइप के कई कांड हुए थे, कई वारदात हुई थी, कई हादसे हुए थे। न केवल देश की बल्कि पूरी इंटरनेशनल मीडिया पर उस समय गोधरा और गुजरात छाए रहते थे। जो आज देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उस समय वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। जो आज के देश गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो उस समय भी मोदी जी के बहुत नज़दीक हुआ करते थे और गुजरात सरकार में पावरफुल मंत्री थे। यही वो समय था जब कांग्रेस की नेत्री, कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी ने कई निशाने साधे थे नरेंद्र मोदी पर। और उस समय के बाद में एक समय तो वो भी आया कि जब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने नरेंद्र मोदी जी को ये बोला कि वो राज धर्म का पालन करें। लेकिन पुरानी बातें हैं, तो क्योंकि आज उद्धव ठाकरे ने गोधरा को याद दिलाया तो गोधरा की बात करना भी जरूरी था कि आखिर गोधरा था क्या। तो गोधरा वो था कि जहां 59 कार सेवकों को जिंदा जलने के बाद में, हम इसमें नहीं जाएंगे कि वो जिंदा हादसा करने वाले कौन थे, लेकिन आरोप मुस्लिम समाज के लोगों पर लगा था कि मुस्लिम समाज के लोगों ने ट्रेन में आग लगा दी थी। 90 लोग मारे गए थे और उसके बाद हुई हिंसा के अंदर सैकड़ों सैकड़ों लोग काल का ग्रास बने थे। आज जब देश के अंदर सब कुछ ठीक है, तो आखिर उद्धव ठाकरे के पास ऐसी कौन सी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है जिसके बिहाफ पर उन्होंने ये कह दिया कि गोधरा हो सकता है? और क्या देश की जनता के अंदर इस प्रकार के बयान दे करके आप राजनीति की साधने के लिए तो कुछ कह सकते हैं, लेकिन क्या देश की जनता को इस प्रकार के बयानों से संदेश क्या जाएगा? मैंने आपको पहले बताया कि जब न केवल भारत बल्कि दुनिया का कोटि कोटि हिंदू इस बात का साक्षी बनना चाहता है कि वो भव्य राम मंदिर जिसका लोगों को इंतजार था, जो भगवान राम कोटि कोटि लोगों की आस्था का प्रतीक हैं, जो अगर राजनीति की बात भी की जाए तो राम को हमेशा राजनीति के अंदर शुचिता और दृढ़ निश्चय का प्रतीक माना जा सकता है। वो राम जो अपने पिता के कहने पर वनवास चले जाते हैं, वो राम जो राजनीति के लोगों को गुण सिखाते हैं, वो राम जो राजनीति के लिए ये बता देते हैं कि आखिर राजा या नेता, आज प्रधानमंत्री जो होते हैं, आज जो मुख्यमंत्री होते हैं, अगर ये माना जाए कि वो कहीं राजा की श्रेणी में ही है, राजा राम जब राजा होते हैं तो एक आरोप लगने पर जो अपनी पत्नी को छोड़ सकता है, राजा राम जब राजा बनने जा रहे होते हैं लेकिन एक पिता के वचन का पालन कराने के लिए, आज तो सियासी लोग सत्ता पाने के लिए किसी हद तक गिर सकते हैं, लेकिन राम का संदेश वो था कि नेता बनने के लिए, जो आज नेता राजा ही होते हैं, कि राजा बनने के लिए, नेता बनने के लिए बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता है। लेकिन जब उन्हीं भगवान राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहा हो, उद्घाटन के लिए तैयार हो, लोग जश्न में झूमना चाहते हों, ऐसे में सियासत जो है वो किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। और वो सियासत चाहे वो पक्ष के लोग कर रहे हों, विपक्ष के लोग कर रहे हों, हम किसी पार्टी पक्ष की बात नहीं कर रहे, लेकिन क्योंकि अगर ऐसे आयोजन से पहले हम ये संदेश दे दें कि एक बार फिर कहीं गोधरा ना कर दिया जाए, तो उद्धव ठाकरे साहब को या तो अपना इंटेलिजेंस का वो रिपोर्ट देश की जनता के सामने रखना चाहिए जिसके आधार पर उन्होंने कह दिया, और या फिर सियासी दलों को इस प्रकार के राम के नाम पर तमाम राजनीतिक बातों से, तमाम राजनीतिक क्रियाकलाप से तब तक दूर रहना चाहिए जब तक देश की और दुनिया की कोटि कोटि जनता अपने आराध्य राम के मंदिर का जो लोकार्पण होना है, जो शुभारम्भ होना है, उसका दीदार ना कर ले, क्योंकि राजनीति के बहुत मुद्दे हो सकते हैं और वैसे भी धर्म कभी राजनीति का मुद्दा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये दुर्भाग्य है देश का कि आज धर्म के नाम पर ही राजनीति ज़्यादा होती है। इस मुद्दे को कि धर्म की राजनीति को तिलांजलि देने के लिए, धर्म आस्था का प्रतीक हो सकता है, और अगर यदि कोई इसी बात से लें कि क्योंकि उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे, तो जो देश में सत्ता में लोग हुआ करते हैं, हमेशा जब अच्छा कोई काम होता है तो सत्ताशीन लोगों के पक्ष में ही जाएगा, और जब कोई गलत बात होती है तो भी सत्ताशीन लोग ही उसके दुष्परिणाम के भागीदार होते हैं। ऐसे में जबकि देश
भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का इंतज़ार कर रहा था, जो इंतज़ार की घड़ियां पूरी हो रही हैं, ऐसे में कम से कम सियासत जरूर थमनी चाहिए। आप हमारे इस वीडियो से कितने सहमत हैं अपनी प्रतिक्रिया में ज़रूर बताएं, और हरियाणा और देश की राजनीति से जुड़े हुए मुद्दों में आप किन मुद्दों पर हमसे जुड़ना चाहते हैं, आप चाहें तो हमें उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।